आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस टेक पंकज शर्मा जी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक पंकज शर्मा जी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे चैलेंजिंग ट्रिक्स जिसे आप जानकर अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैलेंजिंग ट्रिक्स वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको जो ये वीडियो पर जो ये ट्रिक बताने वाला हूँ, ये विंडोज के फाइल ट्रिक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा अपने विंडोज में। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिनका नेम पहले से ही मुझे दिया गया है, न्यू फोल्डर। तो फ्रेंड्स, आप इसे एडिट करेंगे और मैं आपको एक ऐसा नेम बताया हूँ, इस नेम को आप फिट कर लें और अपने माइंड में एक कोड को राइट कर ले ताकि आप इस कोड की मदद से बहुत सारे फोल्डर्स के ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो नेम बता देता हूँ, उसका नेम है CON। फ्रेंड्स, आप इसे कहीं नोट कर ले या फिर आप इसे अपने माइंड में रखें। आप इस नेम का फोल्डर कभी भी नहीं क्रिएट कर सकते अपने विंडोज में विदाउट कुछ कोड इंटर किए हुए। मैं आपको दिखा देता हूँ, फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा है। अब आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पर टाइप करना है, अल्ट प्रेस की हुए रखना है और आपको टाइप करना है 255, या फिर आप टाइप कर सकते हैं अल्ट प्रेस की हुए रखना है और आपको फिर ये दूसरा कोड है, अगर उससे आपके सिस्टम में वर्क नहीं करता तो आप इस कोड का यूज करें, अल्ट प्रेस की हुए रखें और एंड टाइप करें 0160। इसे टाइप करने के बाद आपको वो नेम टाइप करना है CON, और आप देख सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतर चैलेंजिंग ट्रिक है जिसको जानकर आप अपने किसी भी फ्रेंड को चैलेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस कोड और इस नेम को अपने माइंड में नोट कर लें। और फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ, कोई फोल्डर कहीं भी होते आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है और आप ये देख सकते हैं फोल्डर का नाम दिया हुआ है न्यू फोल्डर। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैंक नेम का फोल्डर नहीं क्रिएट हो पा रहा है। एंड आपको फिर से ये कोड टाइप करना है, अल्ट प्रेस की ओर रखना और टाइप करना है अपने कीबोर्ड से 255, और आपको इंटर प्रेस करना है और आप देख सकते हैं ये विदाउट नेम का फोल्डर आपके सामने क्रिएट हो गया है। फ्रेंड्स, ये दो ट्रिक मैंने आपको बताया, मैं तीसरी ट्रिक बताता हूँ, आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है और मैं आपको दिखा देता हूँ, पंकज नेम का फोल्डर क्रिएट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। आप अपने कंप्यूटर में एक ही नेम के दो फोल्डर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नहीं क्रिएट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस कोड की मदद से अपने कंप्यूटर में एक ही नेम के दो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको फिर से ये कोड टाइप करना है और प्रेस की ओर रखना और टाइप करना है 255। तो मैं दिखा देता हूँ फिर से पंकज टाइप करके, एंड आप देख सकते हैं एक ही नेम के दो फोल्डर क्रिएट हो गए हैं पंकज नेम के। मैंने जो आपको ये थ्री ट्रिक बताया है, आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। फ्रेंड, आपको ये हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को एनेबल कर लें ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।